अगर इंसान भूल कर जिना कर लेता है और बाद में सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, ठीक है तौबा कर लिया तो फिर ठीक है तौबा, तो फिर सूरह अल फुरकान की 70 नंबर आयत में 70 नंबर कि अगर कोई शख्स शिर्क से भी तौबा कर ले, जो इस कायनात का सबसे बड़ा गुनाह है और ये वाहिद गुनाह है जो क्यामत वाले दिन मुआफ भी नहीं होगा अगर दुनिया से तौबा ना की, बाकी गुनाह अगर बगैर तौबा के भी कोई मर गया तो अपना अजाब भुगत के जन्नत में इंशाल्लाह चला जाएगा। सूरतुन निसा की आयत नंबर 48 और 116 के तहत इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिह व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। लेकिन अगर कोई शख्स शिर्क करके दुनिया से गया तो चाहे वो अरबों साल भी जहन्नम में जले उसका ये गुनाह मुआफ नहीं हो, और दुनिया में शिर्क से अगर कोई तौबा कर ले तो सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 70 में आया 70 नंबर में कि हम उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे। तो जाहिर है ये वाला जो मामला है बदकारी वाला, ये भी अगर किसी ने तौबा कर ली है सच्चे दिल से, और पाकिस्तानी तौबा नहीं, तस्बीह फेरने वाली तौबा नहीं, तौबा का मतलब है तौबतन नसूहा, जो आगे को नसीहत हो जाए। और आपको मैं बताऊं कुरान हकीम तो ये पाकिस्तानी तौबा को तो मानता ही नहीं है, कुरान हकीम में ये टॉपिक सूरतुन निसा के अंदर और कई सूरतों में आया है, फिल वक्त इसका जो एक समझ लें एपेक्स है ना इस हवाले से वो सूरह अन्नहल में अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 119, सूरत नंबर ये 16 है, 14वें पारे का आखिरी सफा है। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना आमिलुस्सूआ बिजहालतिन, फिर इसके बाद तेरा रब उन लोगों के हक में जो जहालत में नफ्स से मगलूब होकर गुनाह कर बैठे, सुम्मा ताबू मिन बादी दालिक, और उसके बाद फौरन तौबा कर ले काम करने के बाद, वह असलाहू और अपनी इस्लाह कर ले, इस्लाह का मतलब है कि आंधा कोई पुठा काम नहीं करना। इन्ना रब्बा का बेशक तेरा रब मिम बादी हा ऐसा करने के बाद लगफूर रहीम जरूर बख्शने वाला मेहरबान है। कैसा करने के बाद? तौबा, और तौबा के बाद इस्लाह। तो खाली तस्बीह फेरने से नहीं बल्कि नसीहत वाली तौबा, तो तौबा करें। जना की तौबा, इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियो भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, वहां मैं नजर की हिफाजत करना नामुमकिन है, वहां की लड़कियों से अगर हाथ ना मिलाएं तो बुरा समझती हैं, तो मजबूरन हाथ मिलाना पड़ता है। कोई ऐसा मसला नहीं, ये तो आप इसी तरह ही कह रहे हैं कि जी क्या वहां पे औरतें हिजाब नहीं करती हैं, तो हिजाब को तो बुरा समझता है गोरा, तो वो ये कहेगा कि मैं ऐसी औरत के साथ बात ही नहीं करूंगा जब तक वो अपना हिजाब ना उतारे, ये कौन सी रिमांड है? तो आप जिस औरतें भी तो हिजाब कर रही हैं, इवन जब फ्रांस में हिजाब पे पाबंदी लगी तो मेडिकल मास्क यूज करने शुरू कर दिए, दिल बेईमान थे उजता टेर, जिनका दिल बेईमानी में हो वो बाने करते हैं, जो अल्लाह की बंदियां होती हैं उनके पास सलूशन होते हैं, उन्होंने मेडिकल मास्क शुरू कर दिया। अब तो कोरोना की बरकत से क्यामत तक कोई औरत ये बहाना कर ही नहीं सकती कि मुझे जी पर्दा करते हुए शर्म आती थी, अब वही बेपर्दा औरतें भी तो चेहरे का पर्दा करके निकल रही है ना मास्क की वजह से, क्योंकि उसे दुकानदार खरीदारी के लिए बैंक वाला अंदर नहीं एंटर होने देगा, कोई जनरल स्टोर वाला एंटर नहीं होने देगा। अपनी दुनिया की खातिर पर्दा कर लिया, अल्लाह की खातिर नहीं किया, तो ये आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप एक एक दफा ही बताना है ना, हर एक लड़की से तो नहीं सलाम करते फिर ना, अपनी क्लास फेलो या जितनी है एक दफा बता दे कि मुस्लिम्स में ये अलाउ नहीं है।